तो स्टार्ट करने वाले हैं एशिया का मैप। इससे पहले हमने चार कॉन्टिनेंट देखा, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, और इसके साथ साथ हमने अफ्रीका को भी देखा था। आज हम एशिया को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद सिर्फ आपको जो बचेगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंक्लूडिंग ये जो कॉन्टिनेंट है उसमें आपको बस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एशिया। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि एशिया में जितने भी लोकेशंस हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज हैं या कोई लेक वगैरह है, या फिर किस कंट्री के साथ बाउंड्री लगती है, कोई सी है उसके साथ कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है, कोई गल्फ है, कोई स्ट्रेट है, ये सब कुछ एशिया के कंटेक्स्ट में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एशिया में जितनी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के नेबर कंट्रीज, यानी कि जिनकी बाउंड्री उनके साथ लगती है, ये आपको याद होना चाहिए। ये बाकी कॉन्टिनेंट्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसका हिस्सा है, तो इस वजह से यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ लेक्स वगैरह हैं या फिर सी वगैरह हैं, जैसे कि कैस्पियन सी हो गया, ठीक है, ब्लैक सी हो गया, यहाँ पर कौन से लगते हैं। उसी तरीके से आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, ओके, यहाँ पर अदेन हो गया, गल्फ ऑफ अदेन हो गया, तो यहाँ पर कौन सी कंट्रीज के साथ लगती है, ओके, यहाँ पर आपको रेड सी हो गया, कौन सी कंट्रीज लगती है, तो ये सारा आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ सारे कंट्रीज के नाम भी याद रखने हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी कई सारे कंट्रीज हैं, कौन सी इसमें लैंड लॉक्ड है, कौन सी आपको पैसिफिक ओशन के साइड में है या फिर इंडियन ओशन के साइड में है, ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जिस तरीके से क्लाइमेट को हम लोग डिवाइड करते थे और उस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्लाइमेट जो है ब्रॉडली तीन तरीके से पाया जाता है। लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो तीन तरीके का होता है, एक नॉर्थ में और एक आपका साउथ वेस्ट में और एक आपका साउथ ईस्ट में। यानी कि नॉर्थ के एरिया की बात करें तो ये एरिया नॉर्थ, यानी कि ये जो साइबेरिया वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पड़ता है। उसके बाद साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो ये आपको कजाकिस्तान से लेके इधर गल्फ कंट्रीज तक लेके ये आपको साउथ वेस्ट में पड़ेगा। और इसके बाद हम साउथ ईस्ट की बात करें तो ये इसके इधर सारी जो कंट्रीज आती हैं ये इसमें आपको ये पड़ती हैं। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, यहाँ पर इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो डिटेल की अगर बात करें हम क्लाइमेट की, तो जिस तरीके से हम बाकी के कॉन्टिनेंट्स में करते आ रहे थे वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने डिविजन किया था। तो आपको पता है कि एशिया एक्चुअली जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो 10 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री ये आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको टेढ़ा लाइन क्यों है, क्योंकि ये कर्व में होता है ना, जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो कर्व में होती है, कर्व लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन एकदम नहीं होती। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हमने क्लासिफिकेशन पहले के कॉन्टिनेंट्स में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। अगेन जैसे कि आपको ईस्ट कोस्ट यहाँ पर कौन सा मिलेगा, आपको 10 से 30 के बीच में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। तो यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज हैं तो साउथ एशियन मानसून यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से वर्षा आपको होती है। आपको ये इंडोनेशियन कंट्रीज है, यहाँ तो आपको मेनली इक्वेटोरियल रीजन है। उसके अलावा ये जो आप देखेंगे इधर फिलीपींस वगैरह और साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी का एरिया, यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट मानसून की वजह से वर्षा हो जाती है। इसके बाद जब आप बीच में आते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या मिलता है, ये मिलता है सवाना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर बीच में सवाना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये क्लाइमेट थोड़ा सा इंडिया में मॉडिफाई हो जाता है क्योंकि इंडिया में भी मानसून पाए जाते हैं। तो इंडिया का मानसून का रिलेशन रिवर्सल से, विंड के रिवर्सल से है, तो वो एक अलग फिनोमिना है, वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ हमने वेस्ट कोस्ट पर देखा था इस रीजन में कि यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। तो देखिए ये सारा डेजर्ट है, गल्फ कंट्रीज है, इधर से ये पूरा का पूरा लेकर इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा लगभग डेजर्ट ही है। ठीक है, तो ये वेस्ट कोस्ट पर था। 30 से 45 के बीच की बात करें तो यहाँ पर आपको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, लाइक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ये आपको ईस्ट चाइना सी एंड सम ये जो पार्ट हुआ आपको शी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। बीच में आपको देखने को मिलता है कौन सा क्लाइमेट, यहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता है। बीच में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता है जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। तो होता है यहाँ पर स्टेपीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो आपको जनरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना, मंगोलिया यहाँ तक भी जाते हैं, ये रशिया तक भी जाते हैं। ठीक है, ये आपको इधर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और इस रीजन में वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट कोस्ट पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये जो मेडिटेरियन एरिया है, मेडिटेरियन सी, इससे लगे हुए जो कोस्टल एरियाज हैं इंक्लूडिंग एशिया एंड यूरोप, ये सभी आपको यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलते हैं।
उसी तरीके से 45-60 के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पर आपको बीच में कॉनिफेरस टाइप ऑफ क्लाइमेट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया यहाँ पर मिलेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको इधर देखने को मिलता है जो ब्रिटेन के आसपास में, दिस वन इज ये ब्रिटेन, ब्रिटेन के आसपास में यहाँ पर आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन था, कुछ इसमें कठिन नहीं था, ऐसे ही हम पहले के जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उनके करते आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर फिजियोग्राफी की बात करें एशिया की, तो एशिया की जो फिजियोग्राफी है इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजियोग्राफी मीन्स इट इज अ आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो उस डेवलपमेंट में उस टाइम के साथ जो भी लैंडफॉर्म्स वगैरह बनती हैं ये फिजियोग्राफी कहलाता है। तो इसमें हम मेनली देखेंगे माउंटेन सिस्टम के बारे में, प्लेटूस के बारे में, प्लेन्स, स्टेपीज, डेजर्ट, कुछ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के बारे में, एंड देन सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो ब्रॉडली 5 तरीके से एशिया के फिजियोग्राफी को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो आपको माउंटेन सिस्टम मिलेगा सबसे पहले, इसमें 3 माउंटेन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हिमालयन माउंटेन, और इसके बारे में पता है आपको, ये इंडिया एंड भूटान, नेपाल, तिब्बत, ये सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री लगती है हिमालयन सिस्टम की। लेंथ की बात करें तो करीब 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, एंड इट डिवाइड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल सी बात है यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर ये आपको हो जाएगा हिमालयन माउंटेन। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाकी के रेस्ट एशिया से अलग करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तियान शान की, तो तियान शान की भी लंबाई लगभग उतनी ही है, 2400 किलोमीटर के आसपास में, और ये कर्गिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर मिलता है। और वहीं थर्ड की अगर हम बात करें यूराल माउंटेन की, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, इसकी भी लंबाई आपको 2500 किलोमीटर के आसपास में पड़ती है। तो ये आपको रशिया से कजाकिस्तान तक जाता है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगर मैप में इसको हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, ये आपको हिमालय हो गया, ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये आपका है किर्गिस्तान। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है चाइना और किर्गिस्तान का, यहाँ पर आपको मिलता है तियान शान, ठीक है, तियान शान माउंटेन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूराल की बात करते हैं, तो यूराल आपको यहाँ पर मिलता है, ये आपको यूराल माउंटेन है जो रशिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉट 2 पार्ट, इक्वल पार्ट में नहीं, लेकिन फिर भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला इधर वाला हिस्सा एशिया में आता है, और इधर वाला हिस्सा जो होता है यूरोप में आता है। तो इसकी कैपिटल जो मॉस्को है वो यूरोप वाले हिस्से में ही पड़ती है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर माउंटेन सिस्टम देखने को आपको मिलेंगे। ये माउंटेन सिस्टम ही पिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, पिक्स तो बहुत सारी है। इसके अलावा अगर माउंटेन सिस्टम की हम अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अल्ताई माउंटेन मिलेगा, दिस इज अल्ताई माउंटेन, जो चाइना और मंगोलिया, ये आपको मंगोलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉर्डर पर ये पड़ेगा, जिसका नाम है अल्ताई माउंटेन। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन सीरीज है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्लेटूज की बात करें, तो 3 तरीके के इंपॉर्टेंट प्लेटूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक ईरानियन प्लेटू, जो कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। तो अगर मैप पर हम इसको बनाएं तो आपको ये हो गया ईरान, दिस इज ईरान, ओके, और इधर आपको ये पाकिस्तान हो गया, एंड दिस इज द अफगानिस्तान। तो इस एरिया में पाया जाता है ये ईरानियन प्लेटू। नेक्स्ट की बात करते हैं डेक्कन प्लेटू, तो ये इंडिया में मिलता है, ये आपको पता है, इसके बारे में एक्सटेंसिव तरीके से भी पढ़ेंगे जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही समझ जानिए कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया आपको डेक्कन प्लेटू के अंडर में आता है। तिब्बतन प्लेटू की बात करें, तो लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में पता है आपको। ये जो एरिया होता है यहाँ पर, ये वाला, ये आपको तिब्बतन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, दिस इज द तिब्बतन प्लेटू। ये सब आपको मार्क करना है, जो आपका एटलस है उसमें मार्क कीजिएगा। तिब्बतन प्लेटू के जस्ट नॉर्थ में कुछ यहाँ पर आपको एक कुनलुन शान मिलता है, कुनलुन शान भी एक माउंटेन सीरीज है, कुनलुन शान, ठीक है। तो आप देखिएगा जब एटलस, तो वहां पर आपको कुनलुन शान मिल जाएगा, और इधर आपको तियान शान हो गया। और इसके अलावा इधर आपको पामीर, एक आपको याद होगा पामीर का प्लेटू, पामीर प्लेटू कहलाता है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस एरिया, ये जो एरिया है ये पामीर कहलाता है। जस्ट आप ये जो इंडिया का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, इसके जस्ट नॉर्थ में आपको ये हिस्सा जो होता है ये पामीर कहलाता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये 3 चीजें आपको प्लेटूस में हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स, स्टेपी और डेजर्ट के बारे में। तो प्लेन्स के बारे में बात करते, बहुत सारे प्लेन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन है, चलिए थोड़ा सा मैप में हम उसको देख लेते हैं। तो ये जो है इधर आपको ईराल के जस्ट ईस्ट में, यहाँ पर वेस्टर्न आपको साइबेरियन प्लेन मिलेगा, WSP मतलब वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन यहाँ पर मिलेगा। ये आपको सेंट्रल साइबेरियन प्लेन है, और ये आपको
ईस्टर्न साइबेरियन प्लेन है, इधर से मिलेगा। यहाँ पर एक साउथ नॉर्थ, ये चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर एक प्लेन मिलता है जिसका नाम है मंचूरियन, जो आपने कभी खाया होगा। तो ये है मंचूरियन प्लेन, जस्ट ये नॉर्थ ईस्ट में है चाइना की, यानी कि मंगोलिया के ईस्ट में आपको पड़ता है, मंचूरियन प्लेन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आप नॉर्दर्न प्लेन जिसको कहते हैं हम, ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी एक्सटेंसिव है, जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, ये इसमें आ जाएगा, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टेपीज की बात करें तो सेंट्रल एशिया में पाई जाने वाली जो ये ग्रासलैंड्स होती हैं, इनको हम स्टेपी कहते हैं। ये एक्चुअली टेम्परेट ग्रासलैंड ही है, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर प्रेरिस वगैरह मिलती थी, तो उसी तरीके से ये भी है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड होती हैं जो सेंट्रल एशिया यानी कि मंगोलिया एंड सम पार्ट ऑफ इधर आपको जो रशिया होगा, इधर आपको ये कजाकिस्तान होगा, यहाँ पर ये मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें फ्रेश वाटर की, तो यहाँ पर तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लेक बैकाल, ठीक है, ये सब मार्क करना है आपको मैप में, ये ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ के मत छोड़ दीजिएगा। तो लेक बैकाल जो कि शाओदन रशिया में पड़ता है, ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट और वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लेक है, ठीक है, ओल्डेस्ट इन द सेंस कि करीब 25 मिलियन ईयर्स पहले इस लेक का निर्माण हुआ था। यांगती एक रिवर है जो कि चाइना में पड़ता है, और ये आपको चाइना में जो शंघाई है, ठीक है, चाइना में जो शंघाई है उसके आसपास में पड़ती है, ये शंघाई आपको करीब यहाँ पर मिलेगा, दिस रीजन इज ऑफ शंघाई, ठीक है। तो शंघाई के पास ही आपको यांगती रिवर मिलती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है और पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, दिस इज एशियाज लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके पहले दो कौन है, एक नाइल है जो कि अफ्रीका में पड़ती है, और एक अमेजन है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है, यानी कि ब्राजील में पड़ती है यहाँ पे। तो इससे पहले दो है, बाकी तीसरी यांगती रिवर है जो चाइना में है। इसके अलावा तिग्रिश एंड यूफ्रेट्स रिवर है, ये आपको टर्की में इनका ओरिजिन होता है, लेकिन टर्की से बह के ये सीरिया और इराक में भी ये पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर से रिलेटेड तीन आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम सॉल्ट वाटर के रिसोर्सेज की बात करें, तो पर्शियन गल्फ जो कि बॉर्डर बनाता है कई सारी कंट्रीज के साथ, तो मैंने यह लिखा है मार्क बॉर्डर कंट्रीज, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ आपका ये है, दिस वन इज पर्शियन गल्फ, तो ये किसके साथ आपको बनाती है, इधर आपको पड़ेगा कौन सा, ये आपको पड़ेगा ईरान, ठीक है। इसके अलावा ये जो कंट्री है ये देख रहे हैं, ये है यूएई, यहाँ एक छोटा सा ऐसे ये निकला हुआ है, ये छोटा सा निकला हुआ है, ये एक्चुअली इसका नाम है कतर, ये कतर है, ये तो आपको सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है कुवैत, इसका नाम है कुवैत, ठीक है। इसके बाद इसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर बाउंड्री लग रहा है, ये एक्चुअली इराक है, दिस इज इराक, और ये आपका ईरान हो गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंट्रीज हैं जिनका बाउंड्री आपको पर्शियन गल्फ के साथ लगता है, तो इस तरीके से आपको मार्क करना है अपने एटलस में। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी ऑफ ओखोत्स्क है, ये रशिया के पास में पड़ता है, बिटवीन रशियन मेनलैंड एंड कमचटका पेनिनसुला, इसको भी देख लेते हैं। ये एरिया जो है ये है सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ ओखोत्स्क, तो ये रशिया का मेनलैंड है, और ये जो पेनिनसुला है इसी को हम कहते हैं कमचटका पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला, तो रशिया के मेनलैंड और कमचटका पेनिनसुला के बीच में है, वैसे कमचटका पेनिनसुला भी रशिया का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, तो इसको आप जानते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर भी आपको बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में बताना है कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री है। तो कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री है बे ऑफ बंगाल के, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के पास, दिस इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश, ओके, दिस इज म्यांमार एंड दिस इज श्रीलंका, यही बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके अलावा जैसे हमने क्लाइमेट के बारे में बात की थी कि ब्रॉडली जो क्लाइमेट है वो तीन पार्ट में रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एरिया के अकॉर्डिंग, तो नॉर्थ और सेंट्रल एशिया में पाया जाने वाला क्लाइमेट, साउथ वेस्ट में पाया जाने वाला क्लाइमेट, और उसी तरीके से साउथ ईस्ट में पाया जाने वाला क्लाइमेट, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। जो नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन है, तो आपको पता है नॉर्थ एंड सेंट्रल जो जोन है ये वाला, ये साइबेरिया का जोन है, तो साइबेरिया के जोन में आपको ठंडी हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको कोल्ड और ड्राई आर्कटिक विंड्स देखने को मिलती है। क्रॉप्स की बात करें तो बार्ले, बकव्हीट, मिलेट, ओट्स एंड व्हीट जो होते हैं यहाँ के मेन क्रॉप्स में इनकी काउंटिंग की जाती है। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी काफ़ी की जाती है, और एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात की जाए, तो अगर हम मंगोलिया की बात करें, तो मंगोलिया में देखेंगे कि जितना एग्रीकल्चरल लैंड है उसका करीब 70% सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री के लिए ही यूज किया जाता है, तो मंगोलिया में ये काफ़ी फेमस है।
क्योंकि ये एरिया जो होता है मंगोलिया और साउदर्न पार्ट ऑफ रशिया, यहाँ पर आपको स्टेपीज भी मिलते हैं, स्टेपीज मिलते हैं ना यहाँ पे। तो ये जो स्टेपीज हैं ये एक्चुअली क्या है, ग्रास लैंड है। तो जब ग्रास लैंड है तो इसका मतलब यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी काफी एक्सटेंसिव तौर पर की जाएगी। इसके बाद हम सेकेंड की बात करें तो साउथ वेस्ट जोन की बात करें तो ये एक्चुअली क्या है, कजाकिस्तान से लेके पूरा गल्फ कंट्रीज की बात है यहाँ पर। तो ये आपका कजाकिस्तान हो गया, तो कजाकिस्तान से लेके इधर आपकी जितने भी अस्तान कंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये कजाकिस्तान हो गया आपको। और ये उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये आपको मेनली हो जाता है क्रैगिस्तान। और ये जो होता है ये हो गया ताजिकिस्तान, ये होता है ताजिकिस्तान। और ये जो होता है ये तुर्कमेनिस्तान होता है, ठीक है। दिस इज तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, क्रैगिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये जितने भी अस्तान वाले हैं इनसे रिलेटेड, और उसके बाद गल्फ कंट्रीज यहाँ पर मिलेगी जिधर आपको इस तरीके के क्लाइमेट मिलते हैं। इसके अलावा गोबी डेजर्ट में मिलेगा मंगोलिया एंड चाइना, नॉर्दर्न चाइना में, और यहाँ से होते हुए पूरा पाक, ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला जैसे मैंने आपको बताया। तो गोबी डेजर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, इसको मैं मिटा दूँ, गोबी डेजर्ट ये वाला एरिया है, दिस एरिया सम पार्ट ऑफ मंगोलिया एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ चाइना, ये आपको मिलता है गोबी डेजर्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्रॉप्स की बात करें तो चूंकि ड्राई एंड हॉट रीजन है, ड्राई रीजन है तो वर्षा होती है नहीं, इसका मतलब काफी कम यहाँ पर बार्ले और कॉर्न जैसे ही यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो डेट्स, फिग्स, एप्रिकॉट, ओलिव ऑयल्स, अनियन, ग्रेप्स एंड चेरीज यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट जोन की बात करें तो समर मानसून सीजन की यहाँ पर बात होती है, हमने बात भी की है कि ये जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर समर मानसून देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो है राइस एंड वीट, क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, तो वर्षा ज्यादा होती है तो राइस का कल्टीवेशन होगा, और जिन एरिया में वर्षा कम होती है ऐसे एरियाज में वहां पर आपको वीट का भी कल्टीवेशन हो जाता है। तो ये इन एरिया के स्टेपल फूड के तौर पे ये जाने जाते हैं, मेन क्रॉप्स होते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो, पपायास एंड पाइनएप्पल। मैंगो की बात करें तो इंडिया मैंगो का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का करीब 40% केवल इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैंगो के मामले में इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड वाइड जितना प्रोडक्शन होता है मैंगो का उसका 40% अकेले इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज रिलेटेड चीजें जैसे कि माइनिंग हो गया, तो चाइना की बात करें तो चाइना में आपको, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम, गोल्ड, टीन एंड कोल। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी मेजर प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम और आयरन ओर का। रशिया की बात करें तो रशिया में भी कोल, टंगस्टन, डायमंड, आयरन एंड स्टील काफी प्रचुर मात्रा में यहाँ से निकाले जाते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो वहां से भी कोल, गोल्ड, कॉपर और टीन इनका एक्सट्रैक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम ड्रिलिंग की बात करें तो ड्रिलिंग मेनली किस चीज़ की होती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि पेट्रोलियम की, नेचुरल गैसेस, इन्हीं की ड्रिलिंग होती है। तो अरेबियन पेनिनसुला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसमें भी सऊदी अरेबिया देखेंगे तो इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम लिक्विड का यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है ये, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑयल रिजर्व के मामले में भी वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। रशिया की बात करें तो रशिया के साइबेरिया में आपको ऑयल रिजर्व देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रशिया का एरिया जो आर्कटिक सर्कल से लगता है और आर्कटिक की तरफ है वहां पर काफी मात्रा में नेचुरल गैस का रिजर्व भी है। लेकिन आर्कटिक जोन में एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, जो ट्रिटी है आर्कटिक ट्रिटी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो काफी फ्रेगाइल जोन है, काफी सेंसिटिव इको सिस्टम है, तो इस वजह से वहां पर ये नहीं किया जाता है। लेकिन रशिया इज नाउ प्लानिंग टू डू एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में, एशिया के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन। तो मेनली हम रशिया, चाइना और जापान के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो रशिया में मेनली आपके चार तरह के इंडस्ट्रियल रीजन मिलते हैं, एक है मॉस्को और गोर्की रीजन, ठीक है, और दूसरा आपको हो जाएगा यूराल माउंटेन के आसपास में जो मिलता है आपको, और यूराल माउंटेन के ईस्ट में एक कुजबास रीजन है वहां मिलता है, साथ ही साथ पैसिफिक ओशन से लगने वाला एरिया जो कि पैसिफिक कोस्ट रीजन होता है, ये चार आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर लोकेशन को दिखाया जाए तो ये है मॉस्को, जो एक ये लोग आपको इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये आपको ये दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक पैसिफिक ओशन व्लादिवोस्तोक की बात कर रहे हैं तो ये आपको तीसरा आपको ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मॉस्को के अलावा ये दूसरा एक यहाँ पर था तीसरा, ठीक है, सब गड़बड़ हो गया, तो इस तरीके से लिखे ज्यादा सही है, एक, दो, तीन और चार। तो ये चार रीजन है जो कि मेन रीजन इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर
रशिया में, तो ये व्लादिवोस्तोक वाला रीजन हो गया जो पैसिफिक ओशियन से लगता है, ये कुज़बास वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये कुज़बास वाला रीजन हो गया, और ये वाला रीजन जो आपको वेस्ट में पड़ता है यूराल माउंटेन के, ये एक रीजन हो गया, ठीक है, जो कि यूराल इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला देखते हैं मॉस्को गोरिक रीजन वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये चूंकि यूरोपियन रशिया है, आपको पता भी है कि मॉस्को जो होता है यूरोपियन साइड में पड़ता है, तो ये यूरोपियन रशियन है। यहाँ पर मेनली आपको जो रिजर्व देखने को मिलेंगे वो लिग्नाइट कोल होते हैं, उसके रिजर्व देखने को मिलेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो स्टील मिल्स, रेलवे इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है इवानोनो सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ रशिया। तो मैनचेस्टर का मतलब क्या, मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन में, एंड इट इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जहां पर भी मैनचेस्टर की बात आती है तो आपको समझना है कि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जा रही है। तो जब हम इवानोनो सिटी की को हम मैनचेस्टर ऑफ रशिया कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि इस सिटी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूराल इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि यूराल माउंटेन के, ये वेस्ट में पड़ता है, इधर पड़ता है सेकंड नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हैवी एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज काफी यहाँ पर फ्लरिश देखने को मिलेगा, कॉपर, आयरन और क्रोमियम इनका एक्सट्रक्शन किया जाता है। अब चूंकि इस रीजन के पास ज्यादा कोकिंग कोल है नहीं तो ये इम्पोर्ट करते हैं कुज़बास रीजन से, जो कि थर्ड रीजन है, यानी कि यूराल माउंटेन के ईस्ट में पड़ता है, तो यहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है कोकिंग कोल। यहाँ पर आपको हाई ग्रेड के एंथ्रासाइट कोल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट काफी हुआ है, क्योंकि कॉनिफेरस रीजन है, आपको पता है ना, मैंने बताया कॉनिफेरस रीजन है, तो कॉनिफेरस रीजन में लकड़ियाँ काफी होती हैं जिनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री काफी फ्लरिश करती है। इस एरिया में बॉक्साइट वगैरह का भी काफी रिजर्व देखने को मिलेगा इस एरिया में, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की भी काफी सुविधा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी काफी फ्लरिश करती है कुज़बास रीजन में। इसके अलावा फोर्थ रीजन की बात करें, जो हम पैसिफिक कोस्ट रीजन की बात कर रहे थे, जहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट सिटी व्लादिवोस्तोक है, यहाँ पर शिपिंग, लेदर, मैचबॉक्स, फिशिंग एंड फूड प्रोसेसिंग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एग्रो मशीनरी इंडस्ट्री भी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि वैसी मशीन्स जिनका यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है तो उनको बनाने के लिए भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। चाइना की बात करें तो चाइना में चार इंडस्ट्रियल रीजन मिलेंगी, एक मंचूरियन रीजन, तो मैंने आपको बताया था कि मंचूरियन रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन जो है वो मंचूरियन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा है, तो कॉर्न एंड राइस का प्रोडक्शन होता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ हैवी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, एंड हैवी इंडस्ट्रीज में चाइना की 80% हैवी इंडस्ट्रीज आपको इस मंचूरियन रीजन में देखने को मिलती है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के मामले में ये चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो मंचूरियन रीजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो शंघाई वुहान रीजन, तो शंघाई वुहान रीजन की अगर हम बात करें मैप में देखें तो ये आपका शंघाई हो गया, और वुहान कहीं यहाँ पर आपको वुहान मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो शंघाई और वुहान रीजन है, इसके अलावा एक रीजन मिलेगा आपको मकाऊ, हांगकांग, गुआंगझाऊ, ये वाला एक रीजन मिलेगा, और एक ये बीजिंग तो है ही, ठीक है। तो पहला मंचूरियन रीजन था, दूसरे की हम बात करें तो शंघाई वुहान रीजन जो कि यांगते रिवर के एलोंग है, ठीक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, और एंड दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बीजिंग ताइजिन रीजन की बात करें, बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में दिस इज ये आपको हुआंगो रिवर के एलोंग पड़ता है ये पूरा बेल्ट, और यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती, ठीक है। तो शंघाई जो है यहाँ पर आपको यांगते रिवर मिलेगा, दिस इज यांगते जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, और बीजिंग की बात करें तो यहाँ पर वांगहो रिवर मिलेगा, ठीक है। तो ये उसके अलोंग आपको रिवर्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट हांगकांग, गुआंगझाऊ एंड मकाऊ रीजन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये एरिया जो है मकाऊ हांगकांग वाले, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इसका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं जापान की, तो जापान के कुछ रीजन हैं जैसे कि योकोहामा, आपने नाम सुना होगा मेनली, ये सब यहाँ पर प्रोटोकॉल्स वगैरह बनते हैं, योकोहामा, ओसाका, कोबो, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, ठीक है। तो योकोहामा कावासाकी रीजन में आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मिलती हैं, ओसाका इज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, इसका मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये यहाँ पर, कोबो में केमिकल इंडस्ट्री, डेट्रॉइट ऑफ जापान, डेट्रॉइट ये एक्चुअली यूएसए में है, यूएसए का मिशिगन प्रोविंस में है, एंड इट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो जहां पर भी डेट्रॉइट ऑफ दिस करके आएगा तो आपको समझना है कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। क्योटो की बात करें, इट इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और जो कि पॉलिटिकल चीज़ें और आपको फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको वर्ल्ड मैप में यहाँ पर एटलस में वहाँ पर मार्क करना है, और इसके अलावा मैंने एक चीज़ ये बताया कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज के बाउंड्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से एशिया से अक्सर आया करता है क्वेश्चन, तो झूठ मूठ का आपका एक आसान क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको हर कंट्री के उसके बाउंड्री के बारे में किस किस कंट्री से लगता है यहाँ पर पता होना चाहिए। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना बड़ा रशिया है इसके बारे में तो एकदम डेफिनेट है कि किस किस से ये लगता है। इधर चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और यहाँ थोड़ा सा एकदम नॉर्थ कोरिया से लगता है, ठीक है। और उसके बाद ये चाइना इतना बड़ा है, मंगोलिया इतना बड़ा है, कजाकिस्तान इतना बड़ा है, और इधर ये छोटे छोटे स्थान वाले कंट्रीज हैं। उसके बाद तो इधर थोड़े से ही कंट्रीज हैं, इधर साउथ ईस्ट में भी कुछ खास यहाँ पर है, फिलीपींस है, ठीक है, ये म्यांमार है, इधर इंडोनेशिया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि ये सॉरी म्यांमार कह रहे थे इसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ मलेशिया, तो ये म्यांमार हो गया, इसको थाईलैंड हो गया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पर सिंगापुर, तो ज़्यादा कंट्रीज है नहीं, आपको याद हो जाएगा। देखते रहिएगा, एक बार याद कीजिएगा और बार बार उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।